इसलिए बोला, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे ना तो बेटा वही हाल होगा जो पहले हुआ था। क्लियर? देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये जो नया प्रॉब्लम है हमारा, सॉरी नया कैरेक्टर, मतलब जो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डेंसिटी। कि जहां जहां इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पास होता है बेटा, जहां जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पास होता है वहां वहां ऑब्वियसली एनर्जी भी पास होगी, तो उस वॉल्यूम के अंदर एनर्जी भी स्टोर होगी बेटा, तो वहां पे एनर्जी डेंसिटी भी मिलेगी। तो यहाँ पे दो फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ऑफ हम लोगों को मालूम है 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 6 लेसन में प्रूव किया था, किसी को याद है क्या आएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर उसकी जगह क्या आएगा बेटा? स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट। चलो ठीक है, ये भी कंसेप्ट क्लियर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर और बी स्क्वेयर बाय 2 म्यू नॉट, ये कंसेप्ट आपका, ये फंडा आपका क्लियर है। ओके अब बेटा मुझे ये बता दो, अब मुझे ये बता दो कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो दोनों का एडिशन होगा रो ई प्लस रो बी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, याद रखना ई का इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के होता है, इसे एवरेज ई जो होता है ना वो, और एवरेज बी जो होता है वो जीरो होता है बेटा, वो दोनों जीरो होता है। तो एज पर अवर कंडीशन बेटा, ईआरएमएस एंड बीआरएमएस, ई का मीनिंग क्या समझोगे बेटा? ईआरएमएस। बी का मीनिंग क्या समझो बेटा? बीआरएमएस। इट्स अ इनोड बाय रू, इट्स अ बीनोड बाय रू टू। आप पहले से समझ लेना ये कंसेप्ट, मतलब ये ऑलरेडी ईआरएमएस ईआरएमएस है। ओके चलो इतना भी कंसेप्ट आपका क्लियर। अब हमारे पास ये इक्वेशन है 1/4 अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, और म्यू नॉट को मैं मेन सब्जेक्ट बनाता हूं। राइट ये म्यू नॉट यहां पे रखे। दूसरी बात, हमारे पास E बाई बी इज इक्वल टू कल दिया था C, तो इससे B को मेन बना दो, E बाई सी होगा। तो अब मैं इसके बाद ये स्टेप लिखना, ना वी हैव, अब ये स्टेप लिखोगे रो 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 बी स्क्वेयर की जगह ई बाई सी, यानी कि स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, म्यू नॉट की जगह 1/4 सी स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वेयर कट 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर प्लस 1/2, ये डिनोमिनेटर में ना 1/4 है, ओके 1/4 सी स्क्वेयर है एप्सिलॉन नॉट है, तो
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया बेटा, आधा आधा फुल हो गया, एप्सिलॉन नॉट इस पे। तो मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना, तो ऐसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं स्क्वेयर की जगह भी स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेंसिटी क्या याद रखोगे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर या तो बी स्क्वेयर बाय म्यू नॉट। ये पूरा याद रखना होगा बेटा आपसे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर या स्क्वेयर बाय म्यू नॉट, ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ओके अब बारी आती है जहां एनर्जी स्टोर होती है, वो एनर्जी को एरिया में पास होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज ये वेव्स निकल रहा, यहां पे ऐसा एक मीडियम है, उसी में से पास होगा तो परमिट एरिया, परमिट टाइम में से कितनी एनर्जी पास हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद आंसर प्लीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन में से जो नंबर्स ऑफ एनर्जी पास हुई रही है परमिट टाइम में, वो कितनी पास हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इंटेंसिटी बोलते हैं। परफेक्टली बेटा, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। परफेक्ट पकड़ा बेटा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन ए क्रॉस टी। दूसरा फॉर्मूला ये भी था पता है ना, पावर बाय एरिया। अब एक और फॉर्मूला रह रहा हूं, एनर्जी डेंसिटी वेलोसिटी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एनर्जी डेंसिटी। जीरो, बहुत आसान याद रह जाएगा, आई जीरो टू जीरो, रो का मीनिंग क्या हुआ था अभी मिला, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, राइट। और ये कैसे आया मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई टाइम, यू नो अबाउट वेरी वेल, मुझे वेलोसिटी ऐड करनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी लेंथ एल है तो वेलोसिटी सी होगी फ्री स्पेस में, एल अपॉन टी, तो टाइम क्या होगा बेटा, L by C, volume हुआ, energy upon volume, density, आ गया रो सी या सीरो, हम लोग ये याद रखेंगे बेटा ये वाला हमला। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये थियरी है ना मैं आपको बताऊंगा, एक्सरसाइज में प्रूव करनी है ये थियरी, एक्सरसाइज के सम्स में दे रखी है थियरी, अभी भी बोल के रख देता हूं ये कहां पे नहीं है बेटा, पेज नंबर 287 एक्सरसाइज का 8.10 नंबर का सम है, उसमें एबीसी जो सी है ना सी, वो ये है,
तो हम लोगों ने बेटा जो पढ़ा है ना उसमें थोड़ा सोचते हैं फिनिशिंग के साथ, तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने बेटा। देखो इस चैप्टर्स के अभी फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, राइट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन मिला था, याद करो। डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट बी, नॉट अ बी, ओके, इलेक्ट्रिक। उसके बाद इक्वेशन मिला, देखो ये बहुत बड़ी बात है, एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन, ट्रैवलिंग डायरेक्शन, ई क्रॉस बी लिखेंगे हम लोग, पता है ना, ई और बी को परपेंडिकुलर। सपोज हम लोगों ने लिखा ई वाई, यहाँ पे ई वाई होगा बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा माइनस एक्स का मीनिंग क्या होता है कि वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रैवलिंग कर रहा है, प्लस एक्स लिखा होगा तो आपको भी मालूम है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ट्रैवलिंग कर रहा है। बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरी बात बेटा, E naught by B naught is equal to C as well as omega by K as well as frequency into lambda. ये सारे formula same होंगे। K मतलब पता है ना, 2 pi by lambda, इसको wave vector बोलते हैं। Frequency वो भी पता ही होगी जो के clear। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन स्पीड, स्पीड इन वैक्यूम रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ई। दूसरा आया सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। दूसरी बात देखा, वेलोसिटी का मीनिंग होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्ब्डा। जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में, बट लेंथ चेंज होगी तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द म्यू आर एप्सिलॉन आर। यही क्वेश्चन नीट में आ गया, ये 4 times कर रहे थे, एप्सिलॉन आर 4 times, देन व्हाट इज द न्यू वेवलेंथ एंड व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी, तो 4 times यानी कि आधा हो गया, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, राइट। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आई इज इक्वल टू ई बाई ए कॉस टी पावर या और जीरो, रो की बारी आई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हमारे पास इक्वेशन है ई नॉट बाय रूट टू, बी का इक्वेशन है बी नॉट बाय रूट टू, तो यही इक्वेशन क्या बनेगा, ई नॉट स्क्वायर बाय टू, बी की जगह बी नॉट बाय टू, तो बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। ये मत भूलना, ई नॉट यानी कि मैक्सिमम, पीक I is equal to zero लिखा ना, तो रो की जगह बेटा क्या लिखे, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर या तो ई नॉट बाय रूट टू लिखा, तो ई नॉट स्क्वायर टू हो जाएगा बेटा। ये तो बेटा इस फॉर्म को आप कंप्लीटली लिख दो बेटा जोरदार तरीकों से। लिखो चलो कंप्लीटली।
स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वाला बढ़िया स्क्रीनशॉट है, लिख दो ये सेकंड वाला। ओके बेटा, मजे में हो ना सब लोग? चलो तो ये फॉर्मूला हाँ आप लर्न करोगे ना तो बहुत ही मजा आएगा, और इतना मजा आएगा खुश खुश हो जाओगे। राइट, तो बताओ नाउ वी हैव टू स्टार्ट सम्स। चैप्टर खत्म हो गया, अब जो बाकी का है ना वो रट्टा ही मारना, याद ही रखना है सब कुछ। एक एक लाइन रीड करेंगे, मतलब ये सम्स होने के बाद एक ही दिन लगेगा वेव्स कंप्लीट होने में। मतलब आज वेनसडे है तो थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे चैप्टर फिनिश होगा, मंडे को टेस्ट रहेगा, और ट्यूसडे को मैं जो प्लानिंग करवा रहा हूँ वो सब लोग सुन लेना। कितने सम्स करने हैं खुद भी आप कर सकते हो बेटा सम्स, ये वाले मैं नंबर्स बोल देता हूं, सभी बाकी रखेंगे 2, 3, 4। ये चार इलस्ट्रेशन करेंगे और एक्सरसाइज कहां से बता रहा हूं बताएं। 1, 2, 3 छोड़ो, 3 से लेके 15 तक हो जाएगा। ये हम लोगों ने फॉर्मूला दिए ना, करते जाना, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो, मेरी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो स्टार्ट कर देना एक्सरसाइज, आप लोग क्लियर से प्रैक्टिस कर देना। ओके, देखो अभी हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, फ्री स्पेस के अंदर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डार्क दिया है यानी कि वेक्टर दिया है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो आपको दो चीज फाइंड करनी है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो प्रोपोगेशन डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे होगा बेटा? एक्सिस इतना मालूम हो गया, इसके पीछे के कैरेट आएगा इतना भी मालूम हो गया। तो अब ई दिया है, बी फाइंड करना है, कौन सा फॉर्मूला है? बहुत सिंपल वाला है बेटा, E by B is equal to C. B is equal to E by C. E कितना है? 6.3. 1 × 10^-8 आंसर नहीं आया है, आंसर ऐसा लिखेंगे बी के कैरेट 2.1 × 10^-8 ऐसा लिखोगे तभी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। समझ में आया? यस या नो लिखो जल्दी से। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया वाला है। अब 8.3 एक मैग्नेटिक फील्ड है
कितना दिया है, by is equal to 2 × 10⁻²⁷ sin। ये जब दिया है ना उससे पता चल जाए, आपको पता गया तो बढ़िया बात। ये दिया इसको बोलते विनोद साइन। एक्स के साथ कौन आता है, कोई बोलेगा एक्स के साथ कौन आएगा बेटा, के या ओमेगा? के एक्स ओमेगा टी। अब क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्लस है ना तो प्लस ही रहेगा, और इसके पीछे यहाँ पे वाई लिखा है एक्स, तो ये कौन सा कंपोनेंट आएगा, जेड। ये एक्स डायरेक्शन प्रोपोगेशन, वाई मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड हुआ ना। चलो तो बेटा बी नॉट दिया है कम कर देने से 2 × 10⁻²⁷ टेस्ला। के दिया है बेटा 0.5 × 10⁵ रेडियन पर मीटर, ये देखो। और ओमेगा दिया है 1.5 × 10⁻²⁷ रेडियन पर मीटर और रेडियन पर सेकेंड। आपको लैम्बडा फाइंड करना है, कहां करेंगे पता है, के इज इक्वल टू 2π/λ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/k, वैल्यू रख दो आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, ओमेगा इज इक्वल टू 2π v, वी रख दो मेन बना दो, आंसर यहां पे भी आ गया। अभी आपको ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, यानी कि × 10⁸ बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻²⁷। अरे बेटा फाइनल आंसर इजेड, इजेड देखो ये सबको समझ में आना चाहिए, इजेड। आपने इजेड नहीं लिखा ना गलत बात है। कितना आया ई नॉट 60 साइन। अब ये टर्म्स कौन सा लिख दो, यही लिख दो ना 0.5, क्यों हम लोग ढूंढने जाए। समझ में आया, यस या नो लिखो। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो फोर्थ इलस्ट्रेशन, बहुत ही आसान है बेटा। क्या क्या दिया देखो, एनर्जी फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं यार एनर्जी फ्लक्स को, नहीं समझ आया। तो बाजू में यूनिट लिखा है वॉट पर सेंटीमीटर, मतलब क्या, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी दिया है, नहीं बात होती है यार, इसको क्या बोलते हैं, वही बात होती है बेटा। आई दिया है 18 W/cm², राइट। आगे जो लाइट है कोई सरफेस परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, उस सरफेस का एरिया दिया बेटा 20 cm², तो 30 मिनट टाइम में फोर्स कितना लगेगा। तो बेटा फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा पी का एक ही फॉर्मूला है, एनर्जी अपॉन लाइट वेलोसिटी। तो एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है,
एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो बेटा आई 80 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1800। तो बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट हो गया ना, इसलिए कन्वर्जेशन करना होगा बेटा। आप कन्वर्जेशन करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनका कैलकुलेशन आया 6.48 क्रॉस 10^5 जूल। इसकी वैल्यू यहां पे रखोगे अपॉन सी 3 × 10^8, तो मोमेंटम आएगा 2.16 × 10^3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू यहां पे रखो अब ये सरफेस रिफ्लेक्ट करती होती तो 2 मालूम है ना, 2 आएगा यहां पे एब्जॉर्ब कर रहे। देखो इसमें मुझे फोर्स फाइंड करना है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मुझे मोमेंटम चाहिए ई बाय सी, ये मैं लिखना भूल गया फॉर्मूला में, आगे वाले फॉर्मूला में लिखना गया मैं। एक्सरसाइज करनी है पूरी आज करो है बेटा, एक ही थियरी चल बोलो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही लर्न करना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पावर दिया है 100 वॉट। आगे वो बल्ब है, बल्ब से 3 मीटर यानी कि ऐसे पूरा लाइट जनरेट होता है, उसकी रेडियस दे रखी है 3 मीटर जिससे आपको एरिया मिलता है। एफिशिएंसी है ओनली 25%। टाइम क्या करना है लिखा है देखो ना आपके बुक में अंदर। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या क्या, ईएमएस बीआरएमएस नॉट और बी नॉट, ये सब कुछ फाइंड करना है। तो ये कहां से मिलेगा बताएं, पावर आया ना तो पावर आया तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। कितना पावर लोगे बताएं, टोटल पावर कितना लोगे मतलब रेटेड पावर, ये टोटल पावर है उसका 2.5%। तो 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2.5 पावर 2.5 लोग, टाइम कुछ दिया वन, अरे पावर बाय एरिया, एरिया क्या करोगे 4πr² लोगे। स्फीयर बनेगा ना पूरा, बल्ब होता है वहां से लाइट निकलती है तो सभी डायरेक्शन में निकलती है, तो पूरा वॉल्यूम पूरा स्फीयर बनेगा, इसलिए 4πr². जो इंटेंसिटी मिल गई कुछ ना कुछ मिलेगी। अब आप एक फॉर्मूला याद रखो सी रो, और रो की जगह मैंने लिखा था बताया स्क्वेयर आरएमएस या तो ओनली ही लिखा था मैंने आई बाई सी एप्सिलॉन वन, इधर उसके बाद ईआरएमएस मिल गया है तो ईआरएमएस बाय बीआरएमएस इज इक्वल टू सी, तो बीआरएमएस इज इक्वल टू ईआरएमएस बाय सी राइट। तो ये क्वेश्चन नया मिला,
EIMS is equal to E naught by root 2. E naught is equal to root 2 EIMS. Yes, sir. V naught is equal to root 2 BIMS. Yeah, so E naught by V naught is equal to C. इससे भी find कर सकते हैं. बेटा समझ में आयो? तो पहले एक्सरसाइज के तीन सम छोड़ के सारे सम्स कर दो यार, खत्म हो गया चैप्टर आपका बेटा. आज ही आज कर देना, कुछ है तो आप में करने के लिए. ईआरएमएस ईआरएमएस स्क्वायर एमएस ईआरएमएस याद रखना बेटा. ये I equal to P by 4 pi R squared per meter square. Take a screenshot.